Welcome students, here we are with another topic of our genetics class, or basically it's a new chapter in which we will be covering about sex determination and sex linked characteristics. Basically the chapter is divided into two major portions, which is sex determination and सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पे बेस करता है ये चैप्टर. तो वी विल बी ट्राइंग टू कवर इट इन मिनिमम लेक्चर्स, बट मोर और लेस टू और थ्री लेक्चर्स में हम इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे. सो लेट्स किक ऑफ विद द चैप्टर एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन. नाउ व्हाट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा एक जेनेटिक्स का वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक्स ऑफ जेनेटिक्स. और उसमें जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि ऑर्गेनिजम्स, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है, दैट इज़ जेंडर और सेक्स, विच इज़ डिटर्मिंड either an individual will be a male or a female. Very simple yet very important characteristic of a animal life or human life. So but what are the mechanisms that underlies this process? Ye kaise hota hai? Either it is a chance thing or it has a scientific or biological or genetic underpinning or underlying process. So इसका टेक्स्ट बड़ा सिंपल है, आई वॉन्ट बी रीडिंग इट ऑल. आप इसको सिंपल रीड करके देख सकते हैं कि इसमें क्या बात डिस्कस हुई है. चले थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं. सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम दियर पेरेंट्स. मोस्ट ऑफ्टन टू पेरेंट्स कंट्रीब्यूट जीन्स टू दियर ऑफस्प्रिंग्स. सिंपल सी बातें हैं. अमंग मोस्ट यूकेरियोट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिस्ट्स ऑफ टू प्रोसेसेस दैट लीड टू एन अल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स. मियोसिस प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस डिप्लॉइड जायगोट्स. सो देयर इन सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स दो प्रोसेसेस आपस में इंटरकनेक्टेड है, अल्टरनेट फॉर्म में है, दैट इज हैप्लॉइडी एंड डिप्लॉइडी. लाइक गैमेट फॉर्मेशन होती है जहाँ हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड दोज हैप्लॉइड सेल्स देन अगेन ये रीयूनाइट इन फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड जाइगोट्स. सो द टर्म सेक्स रेफर्स टू सेक्शुअल फिनोटाइप. ठीक है, वट डू यू मीन बाई अ जेंडर और अ सेक्स? बिकॉज एन ऑर्गेनिज्म पोजिसेस अ विजुअली डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी. ठीक है, बड़ा एक क्लियर मॉर्फोलॉजिकल फिनोटिपिक डिफरेंस होता है दोनों सेक्सेस के दौरान. सो it basically refers to the phenotype. Most organisms have only two sexual phenotypes, male and females. The fundamental difference between males and females is a gamete size. Male produces small gametes and female produce relatively large gametes. So the mechanism by which sex is established is termed as sex determination. Now what process determines the sex of an newly producing individual or a zygote. So ये mechanism हम पढ़ेंगे इस chapter में, और इससे associated कुछ characteristics, genetic characteristics जो कि हमें next generation में मिलती हैं और उसका connection होता है gender और sex के साथ. Okay. वही बात है, इसमें मज़ीद आप ये ख़ुद रीड कर लें कि बेसिकली तो द फॉर इंस्टेंस द सेल्स ऑफ फीमेल ह्यूमंस नॉर्मली हैव टू क्रोमोसोम्स, टू एक्स क्रोमोसोम्स, एंड द सेल्स ऑफ अ मेल हैव वन एक्स क्रोमोसोम्स एंड वन
वाई क्रोमोसोम, अ फ्यू रेयर पर्सन्स हैव मेल एनाटॉमी। अच्छा यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है कि मेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स, मेल में सॉरी एक्स एंड वाई, एंड फीमेल हैव डबल एक्स क्रोमोसोम्स। वो वही बात है जो है आप लोग जानते हैं, इसको हम आगे क्योंकि डिस्कस भी करेंगे तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स जंप इन टू एन इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ कि बेसिकली सेक्स डिफरेंसेज अराइज कहाँ से होती हैं। इन सम स्पीशीज बोथ सेक्सेज आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म, अ कंडीशन टर्म्ड एज हर्मोफ्रोडाइट। अच्छा कुछ ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉब्लम ही नहीं होती डिफरेंट सेक्सेस की, तो एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट होते हैं और कोई जो है डिफरेंशिएशन नहीं होती। सो दे आर हर्मोफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स, दे बियर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, आर सेड टू बी मोनोशियस। ठीक है, मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स मीनिंग वन हाउस, लाइक दे पोजिस बोथ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन सिंगल बॉडी और इंडिविजुअल। स्पीशीज इन विच द ऑर्गेनिज्म हैज आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर सेड टू बी डायोशियस, टू हाउसेज, लाइक ह्यूमन्स आर डायोशियस। अमंग डायोशियस स्पीशीज सेक्स मे बी डिटर्मिंड क्रोमोसोमली, जेनेटिकली और इन्वायरमेंटली। ये तीन इम्पोर्टेंट सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेसेस है जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज के टॉपिक में। डायोशियस ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें डिस्टिंक्ट सेक्सेस होती हैं, सेपरेट सेक्सेस होती हैं। सो यहाँ पे मैकेनिज्म फिर हम पढ़ेंगे कि हाउ इट इज़ डिटर्मिंड। ठीक है, क्योंकि मोनोशियस और हर्मोफ्रोडाइट्स में तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती, तो ये बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू डायोशियस ऑर्गेनिजम्स। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन के तीन हमारे पास प्रोसेसेस हैं, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एनवायरमेंटल। फर्स्ट इज क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा यहाँ पे हम वो टाइप्स पढ़ेंगे जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्टली जो एक विजिबल टाइप है, दैट इज़ कि एक क्रोमोसोम, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का होना या ना होना या उन ओवरऑल एक क्रोमोसोम जो है वो डिटरमिन करता है सेक्स को। ठीक है, तो इसकी जो है फर्स्ट इसको स्टडी किया गया था इन 1981। अच्छा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आप ये देख लें कि सेक्स क्रोमोसोम्स आर टाइप ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी एनिमल, नॉट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स मोस्टली, और उसमें भी फिर हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ सेक्स क्रोमोसोम। यू नो वेरी वेल अबाउट ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स, हम इसमें भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट है कि सेक्स क्रोमोसोम्स आर डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स दैट इज़ 23rd पेयर, और वो जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है वो डिटर्मिन करते हैं कि आइदर जायगोट विल बी मेल और अ फीमेल। सो ये जो एक्स क्रोमोसोम है और सेक्स क्रोमोसोम है ये अराइज कहाँ से हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। सो इन 1891 हर्मन हैंकिंग नोटिस्ड अ पिक्यूलियर स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स फ्रॉम मेल इंसेक्ट्स, understanding neither its function nor its relation to sex, he called this structure the X body. Later, McClung studied his X body in grasshoppers and recognized that it was a chromosome. McClung called it accessory chromosome, but eventually it became known as the X chromosome. ठीक है, simple सी history है कि एक scientist ने उसको male insects के अंदर एक पिक्यूलियर स्ट्रक्चर देखा, एक डिफरेंट, एक एबनॉर्मल सा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया और कहा कि अच्छा अब इसका फंक्शन उसको नहीं पता था और ना ही ये पता था कि अच्छा इसका कोई कनेक्शन है सेक्स के साथ। सो उसने इसको एक्स बॉडी का नाम दिया। एक्स नॉर्मली आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर कोई जो अननोन वेरिएबल होता है जिसका कोई जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम होती, हम उसको एक्स वेरिएबल का नाम देते हैं और फिर उसको हम आंसर में फाइंड आउट करते हैं कि उसकी डिराइव करके, मैथमेटिकल डेरिवेशन करके एंड में जो वैल्यू है उसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। सो हम अननोन वैल्यू को एक्स, तो यहाँ भी उसी सेंस में इसको एक्स बॉडी का नाम दिया गया कि इट्स अ पिक्यूलियर स्ट्रक्चर बट इट्स फंक्शन एंड रिलेशन इज़ नॉट नोन,
फिर मिक लंग आया और उसने इसको ग्रासहॉपर के अंदर रिकॉग्नाइज किया और कहा कि नो इट इज़ इट्स नॉट समथिंग अननोन बॉडी, इट्स अ क्रोमोसोम, ठीक है, और उसको नाम दिया एक्सेसरी क्रोमोसोम का, लाइक एक्सेसरी आप यह कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ठीक है, एक्सेसरी इजाफी, बट इवेंचुअली इट बिकेम नोन एज द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, फिर थोड़ा सा इसको मज़ीद स्टडी किया गया ग्रासहॉपर्स में 1905 में, थोड़ा आगे जाके इसको स्टडी किया, इन स्टीवंस एंड विल्सन डेमोंस्ट्रेटेड दैट इन ग्रासहॉपर्स एंड अदर इंसेक्ट्स द सेल्स ऑफ फीमेल्स हैव टू एक्स क्रोमोसोम्स वेयर इज द सेल्स ऑफ मेल्स हैव अ सिंगल एक्स। यहाँ से जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का जो है वो हुआ कि ग्रासहॉपर्स के अंदर जो फीमेल है उसके अंदर दो एक्स क्रोमोसोम्स है जो कि पहले डिटर्मिन हुए, उसको एक्स बॉडी और एक्स एक्सेसरी क्रोमोसोम का नाम दिया, वो फीमेल्स के अंदर फीमेल्स के सेल्स में दो नज़र आए जबकि मेल्स में सिंगल नज़र आया। यहाँ से फिर उसको थोड़ा इसकी डेवलपमेंट हुई उसकी तरफ के इट हैज़ अ रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, कुछ इंसेक्ट्स में दे काउंटेड द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स बट सॉ दैट वन क्रोमोसोम पेयर वाज डिफरेंट, टू एक्स क्रोमोसोम्स वर फाउंड इन फीमेल सेल्स वेयर एज अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्लस अ स्मॉलर क्रोमोसोम विच दे कॉल्ड वाई क्रोमोसोम वॉज फाउंड इन मेल सेल्स। कुछ इंसेक्ट्स में फिर उन्होंने जब स्टडी किया मज़ीद आगे जा कर के, तो पहले में था कि मेल में सिंगल एक्स था, फीमेल में दो एक्स थे, ठीक है, मेल में एक कम था, वो हम आगे एक टाइप है उसमें पढ़ेंगे। फिर इसमें उन्होंने देखा कि नहीं, मेल के अंदर एक एक्स है लेकिन उसके साथ एक छोटा सा क्रोमोसोम है, दैट इज़ अ वाई क्रोमोसोम, उसको वाई क्रोमोसोम का नाम दिया। तो यहाँ से फिर पता चला कि इन्होंने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया, ये पैराग्राफ में वो फाइंडिंग है कि स्टीवंस एंड विल्सन आल्सो शोड दैट द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स सेपरेट इनटू डिफरेंट सेल्स इन स्पर्म फॉर्मेशन, कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये सिर्फ ये नहीं कि मौजूद है, ये स्पर्म फॉर्मेशन में या गैमेट फॉर्मेशन में ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू डिफरेंट सेल्स, हाफ ऑफ द स्पर्म रिसीव एन एक्स क्रोमोसोम, हाफ रिसीव वाई क्रोमोसोम, और एक्स जो है उनमें सारे के सारे दे रिसीव वन एक्स क्रोमोसोम पर गेमीट। अ स्पर्म कंटेनिंग अ वाई क्रोमोसोम यूनाइट विद एक्स, तो जब वाई वाला स्पर्म यूनाइट होगा एक्स एग्स एग के साथ तो एक एक्स वाई मेल प्रोड्यूस होगा, और जो स्पर्म एक्स वाला स्पर्म अगर एक्स के साथ प्रोड्यूस होगा यूनाइट होगा तो देट विल प्रोड्यूस अ एक्स एक्स फीमेल, ठीक हो गया। नाउ दिस इज दिस अकाउंट्स फॉर द 50-50 सेक्स रेशियो ऑब्जर्व इन मोस्ट डायोशियस ऑर्गेनिजम्स, जितने भी डायोशियस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियरिंग ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम डायोशियस कहते हैं, उनके अंदर 50-50 ऑलमोस्ट इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है क्या है सेक्स रेशियो है कि मेल और फीमेल होंगे, ठीक है। तो और ये फिर डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म सक्सेसफुल होता है एग के फर्टिलाइजेशन में, आइदर एक्स एक्स और वाई स्पर्म और एक्स स्पर्म। नाउ सो सेक्स इज फ्रीक्वेंटली डिटरमिंड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम द सेक्स क्रोमोसोम्स विच डिफर बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। उन्होंने कहा कि अच्छा ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अब क्योंकि इन्होंने स्टडी किया मेल्स के अंदर फीमेल सेल्स के अंदर डिफरेंटली, सो दे कॉल इट के दे हैव रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन, सो दे आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स, वाइल द नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स विच आर सेम फॉर मेल्स एंड फीमेल्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एंड वी थिंक ऑफ सेक्स इन दीज ऑर्गेनिजम्स इज बींग डिटर्मिंड बाई द प्रेजेंस ऑफ द sex chromosomes, but in fact the individual genes located on the sex chromosomes are usually responsible for the sexual phenotypes. Acha yahan pe ye baat ki gayi hai ki zahiran to ye dikh raha hai ki ek x chromosome ka hona, like do x chromosome ka hona female hai aur ek xxy ka hona ye male hai, zahiran to yahi hai, lekin fir usme study kiya gaya ki no, there are genes located on these chromosomes that determine सेक्सुअल फीनोटाइप्स, मेल और फीमेल फीनोटाइप्स, जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि जो जेंडर है दैट इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ
जीन्स, ठीक है, और वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो इम्पोर्टेंट जीन्स कौन से हैं जो कि सेक्स को डिटरमिन करते हैं, लेकिन उसके लिए सेक्स क्रोमोसोम्स का होना ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन है उनमें थ्री टाइप्स हैं, थ्री मैकेनिज्म्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। आप 12 पढ़ चुके हैं, इसको हम ज़रा गो थ्रू करेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जैसे मैंने कहा, तो इसको हम गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट है दैट इज़ XXX नॉट सेक्स डिटरमिनेशन। ये वो टाइप है जिसमें मेल हैव वन सेक्स क्रोमोसोम लेस देन अ फीमेल। ये ओ मीन ज़ीरो, यहाँ पे मतलब कि कोई क्रोमोसोम मौजूद नहीं है, कोई वाई क्रोमोसोम नहीं है, सिर्फ मेल के अंदर एक्स एक क्रोमोसोम होगा और फीमेल्स के अंदर दो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। इन दिस सिस्टम फीमेल्स हैव टू एक्स क्रोमोसोम, मेल पोजिस अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम। देयर इज नो ओ क्रोमोसोम, द लेटर ओ सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ अ सेक्स क्रोमोसोम। ये ओ जो है ये कोई अलग क्रोमोसोम नहीं है, दैट इज़ बेसिकली एबसेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट दो टर्म्स हैं, ये पैराग्राफ फिर आप रीड कर लें, इसमें कोई इस तरह की मुश्किल बात नहीं है। हेट्रो, दो टर्म्स हैं, हेट्रोगेमेटिक सेक्स एंड होमोगेमेटिक सेक्स। हेट्रोगेमेटिक सेक्स वो सेक्स है जिसमें दोनों क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सो बिकॉज अ मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स विद रिस्पेक्ट टू द सेक्स क्रोमोसोम्स, दे आर सेड टू बी द हेट्रोगेमेटिक सेक्स। नाउ फीमेल्स विद प्रोड्यूस गेमीट्स दैट आर ऑल सेम विद रिस्पेक्ट टू द सेक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोगेमेटिक सेक्स। सिंपल है कि मेल में डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स हैं तो हेट्रोगेमेटिक, और फीमेल्स में सेम सेक्स क्रोमोसोम्स है सो होमोगेमेटिक। ओके, सेकंड इज एक्स 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 वाई सेक्स डिटरमिनेशन। ये बड़ा एक अच्छा, ये होता किन में है, ये पहले वाला जो हमने पढ़ा ये मोस्टली ग्रासहॉपर में स्टडी किया गया है, इंसेक्ट्स में, कुछ इंसेक्ट्स में जो है ये फाइंड होता है। और जो बेसिकली सेक्स डिटरमिनेशन का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट ही इससे हुआ था कि पहले डिटरमिन हुआ था ग्रासहॉपर के अंदर, मिकलंग ने जो किया था, और दैट इज एक्स 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 नॉट सेक्स डिटरमिनेशन इन 1905। फिर आगे जाके ये स्टडी हुआ कि अच्छा कुछ वो हम अभी पढ़ते हैं। एक्स 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 वाई टाइप जो है ये ह्यूमंस का है और मोस्टली स्पीशीज़ का है, मेनी स्पीशीज़ में जितने भी उसमें इंसेक्ट्स भी आते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट और कॉमन टाइप ऑफ मैकेनिज्म। और इसमें वही है कि आपको पता है, टेक्स्ट रीड करने की ज़रूरत नहीं है, कि फीमेल हैव एक्स एक्स, मेल हैव एक्स वाई। इन ह्यूमंस एंड मेनी अदर ऑर्गेनिज्म द वाई क्रोमोसोम इज एक्रोसेंट्रिक नॉट वाई शेप्ड एज इज कॉमनली अज्यूम्ड। ये एक्रोसेंट्रिक होता है, लाइक सेंट्रोमियर एक एंड पे होता है और बाकी हमारे पास उसके दो आर्म्स होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम द मेल इज़ द हेट्रोगेमेटिक। वही बात है अगेन, मेल इज़ हेट्रोगेमेटिक बिकॉज दो डिफरेंट है इसके क्रोमोसोम्स, और फीमेल इज़ होमोगेमेटिक। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको नज़र आ रही हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे रेड कलर में शो है, that is primary pseudo autosomal region and secondary pseudo autosomal region. अच्छा, what is pseudo autosomal regions? अच्छा, जो heterogametic stage में, homogametic में तो clear है कि दो X chromosome morphologically भी same है तो उनकी homologous pairing बड़ी easily होती है। एक्स वाई के फॉर्म में, हेट्रोगेमेटिक के फॉर्म में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हाउ दे विल पेयर होमोलॉग, हाउ दे विल फॉर्म अ होमोलॉग। तो उसमें यह है कि एक रीजन होता है दोनों क्रोमोसोम्स एक्स और वाई के टिप्स पे, ठीक है, तो उन टिप्स को कहते हैं सूडो ऑटोसोमल रीजन्स। ये रीजन्स क्या है, इन विच दे कैरी द सेम जीन्स, जीन्स फाउंड इन दीज रीजन्स will display the same pattern of inheritance as that of genes on the autosomal chromosomes. They are sex chromosomes, but unke jo pseudo autosomal regions hai, aap ye top pe dekh sakte hain, red color mein show hai dono mein, in mein genes same hote hain.
इनमें कोई एक्स और वाई के बेस पे ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल के डिफरेंट जीन्स है, नहीं, बाकी उसमें एक्स पे डिफरेंट जीन्स होंगे, वाई पे डिफरेंट जीन्स होंगे, लेकिन जो सूडो ऑटोसोमल रीजन्स हैं उन पे जीन्स सेम होंगे, उनकी आपस में होमोलोगस पेयरिंग होगी और उसी तरह ये इनकी इनहेरिटेंस होगी जिस तरह के ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की आपस में होती है जो है होमोलोगस पेयरिंग होती है, ठीक है। सूडो ऑटोसोमल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे बिहेव लाइक ऑटोसोमल रीजन्स, लेकिन दे आर सूडो, दे आर नॉट ऑन ऑटोसोमल ऑटोसोम्स, दे आर ऑन सेक्स क्रोमोसोमल, बट दे बिहेव लाइक अ ऑटोसोमल रीजन्स बिकॉज उन पे जीन्स दोनों में सेम होते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्स वाई डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं लेकिन इन पे जीन्स इन रीजन में सेम होते हैं, और इनकी फिर क्या होती है, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वही होता है जो कि ऑटोसोमल रीजन में होता है, और दोनों के ये टिप पे मौजूद होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट एक्स 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 वाई डिटर्मिनेशन, और ये हमारे पास एक ड्रोसोफिला में स्टडी किया गया है, ठीक है, ये ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में ये टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। नाउ जेड 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 डब्ल्यू सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको आप शॉर्ट में जी जी जू सेक्स डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। अच्छा, इसमें क्या है, ये इसके अपोजिट है कि फीमेल इज हेटरोक्रोमेटिक हेटरोगेमेटिक और मेल इज होमोगेमेटिक। मेल जो है वो उसमें क्या होते हैं, सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, अनलाइक इन दैट इन ह्यूमंस, और फीमेल्स में डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं अनलाइक इन ह्यूमंस। तो इस वजह से इसको लेबल किया गया है डिफरेंट अल्फ़ाबेट से ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो इसको ZZ और ZW से क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। एंड इट्स फाउंड इन बर्ड्स, मॉथ्स, आइसोपोड्स एंड एम्फीबियंस एंड सम फिशेस, ठीक है, तो इट्स अ कंसिडरेबल स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स में, एनिमल ग्रुप्स में ये फाइंड होता है। दैट्स अनदर टाइप, इसमें कोई इस तरह की डिटेल नहीं, सिर्फ इसका अपोजिट है, ठीक है। अनदर वन इज़ हैप्लोडिप्लॉयडी। हैप्लोडिप्लॉयडी जो है, कुछ हमारे पास हेमिनोप्ट्रा एक फैमिली है इंसेक्ट्स की, लाइक बीज, वास्प्स एंड एंट्स, ठीक है। ये जो हाइमेनोप्ट्रा, आई गेस इट्स फैमिली, इफ़ आई एम रॉन्ग पार्डन मी फॉर दैट, मेरी टैक्सोनॉमी थोड़ी वीक है। सो सम इंसेक्ट्स इन द ऑर्डर, ओके दिस इज ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट फैमिली, इन द ऑर्डर हाइमेनोप्ट्रा, बीज, वास्प्स एंड एंट्स हैव टू सेक्स, सॉरी हैव नो सेक्स क्रोमोसोम्स, इंस्टेड सेक्स इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल। अच्छा, बहुत सिंपल है, अभी तक हमने जो डिस्कस किया तीन ग्रुप्स में, वहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम्स मौजूद थे, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स थे जिनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी सेक्स को डिटर्मिन करती है। यहाँ पे क्या है, कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, सारे क्रोमोसोम सेम होते हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम का फुल सेट है वो डिटर्मिन करता है मेल होना और फीमेल होना। कैसे, लाइक इन हनी बीज, वास्प्स एंड एंट्स, जो जाइगोट्स जिनमें डिप्लॉयडी होगी, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 2n होंगे, दे विल मेक फीमेल्स, और जब उनमें हैप्लॉयडी होगी, जो जाइगोट्स बनेंगे फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम एग, ठीक है, तो उनमें होगा हमारे पास क्या, वो मेल्स बनेंगे और उनमें हैप्लॉयड होंगे, वो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम से डेवलप होंगे। सो मेल्स डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स, ये आपको बहुत अच्छे से पता है अगर आपने एनिमल बिहेवियर के अंदर पढ़ा हो हनी बीज का, तो हनी बीज में ड्रोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो मेल्स होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स से प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्मथी का एक स्ट्रक्चर होता है हनी बीज, जो क्वीन होती है, क्वीन उनमें से वो फर्टिलाइज करती है सिर्फ, तो क्वीन को जो ड्रोन्स होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, जो उसको चेस डाउन कर देता है, ये आप मैकेनिज्म बिहेवियर आपको अच्छे से पता होगा,
तो जो ड्रोन उसको चेज आउट कर देता है तो उसके स्पर्म जो है वो फीमेल जो क्वीन है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करती उनको, बल्कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पर्मेटिका कहते हैं, उसके अंदर उसको स्टोर कर देती है। फिर क्वीन की मर्ज़ी है कि अगर वो मेल्स प्रोड्यूस करना चाहे तो अनफर्टिलाइज्ड एग से ही प्रोड्यूस कर देगी, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं करेगी उसको। और अगर उसने वर्कर्स प्रोड्यूस करने हैं, फीमेल्स प्रोड्यूस करनी है, तो वो स्पर्मेटिका के अंदर जो स्पर्म्स हैं उसको एग्स के साथ फर्टिलाइज कर देती है खुद अपनी मर्जी से। सो दैट्स हैप्लोडिप्लॉयडी। हैप्लोडिप्लॉयडी मींस ये वो कंडीशन है जिसमें मेल जो है वो हैप्लॉयड होते हैं और फीमेल डिप्लॉयड होती हैं। और ये फिर आप खुद रीड कर लें, इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि इसमें कुछ चांसेस कैसे होते हैं कि जो कुछ रेशोज़ हैं वो आप ख़ुद रीड कर ले, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। अच्छा, हमने अभी पढ़ा कि क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो मैटर करता है कि एक्स क्रोमोसोम है आया या वाई क्रोमोसोम है, तो ये डिटर्मिन करता है। लेकिन क्यों, कैसे? जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें बेसिकली जीन्स ही प्रेजेंट होते हैं जो आगे जाके मेल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक फीनोटाइप वो बनाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं, अच्छा उनमें भी जीन तो होते हैं इन्वॉल्व, वो अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या होता है, क्रोमोसोम का होता है कि एक्स क्रोमोसोम होगा, डबल एक्स होंगे तो फीमेल बनेगी, और एक वाई होगा और एक एक्स तो मेल बनेगा। एट द एंड काम जीन्स ने ही करना है, लेकिन क्रोमोसोम का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या है, इस सिस्टम में इन सम प्लांट्स एंड प्रोटोजोन सेक्स इज जेनेटिकली डिटर्मिंड बट देयर आर नो ऑब्वियस डिफरेंस इन द क्रोमोसोम्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल। अब यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट नहीं है कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स नहीं होते मेल्स और फीमेल्स के, डिफरेंट नहीं होते जैसे कि एक्स और वाई है, बल्कि क्या होता है, जीन्स होते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स हैव जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। जेनिक मीन के जीन्स इन्वॉल्व है, नॉट जेनेटिक। जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स जीनोटाइप्स एट वन और मोर लोसाई determine the sex of an individual plant or protozoan। यहाँ पे genes होते हैं एक particular locus पे या loci पे, genotypes जो होते हैं genes होते हैं वो determine करते हैं। तो किसी separate chromosome का होना ज़रूरी नहीं है, दोनों में क्रोमोसोम में कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, कुछ locations पे genes होते हैं जो कि determine करते हैं कि इस इंडिविजुअल ने आगे जाके मेल बनना है और फीमेल बनना है। सो वी कॉल इट जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन, या इसको जीनिक कहें तो जीन से निकला है, जीनिक सेक्स डिटर्मिनेशन, नॉट क्रोमोसोमल। ओके, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको रीड करते हैं, ये आप क्लियर हो जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इवन इन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम सेक्स इज एक्चुअली डिटर्मिंड बाय इंडिविजुअल जीन्स। वही बात जो मैंने की कि ये यहाँ तो हमने डिस्कस कर ली कि जेनेटिक और जीनिक सेक्स डिटर्मिनेशन में जीन्स इन्वॉल्व होते हैं अनलाइक क्रोमोसोम। लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट है जानना कि इवन इन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन वहाँ भी जो है इंडिविजुअल जीन्स जो है वो डिटर्मिन करते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल इन मैमल्स अ जीन SRY डिस्कस लेटर, जैसे अच्छा वो SRY जीन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे इस चैप्टर में। लेकिन आप इतना समझ लें कि एक जीन है जो वाई क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है, डिटर्मिन्स द मेल फिनोटाइप। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ वाई क्रोमोसोम मौजूद है तो बात ख़त्म, नहीं। वाई क्रोमोसोम पे मैमल्स के अंदर एक जीन होता है, दैट जीन इज SRY जीन, और ये जीन जो है ये बेसिकली करता क्या है, ये मेल फिनोटाइप जो है वो बनाता है, ठीक है। और मेल फिनोटाइप
जो है वो इस जीन की वजह से है और जो कि वाई क्रोमोसोम पे होता है, तो इसे कहते हैं सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन वाई, SRY इज सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, इसको आप ऐसे कह सकते हैं SRY। अच्छा ले वो पढ़ लेंगे। तो अब ये जो है सिर्फ वाई क्रोमोसोम का होना ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर ये जीन का होना ये ज़रूरी है, ठीक है, जो कि मेल बनाता है। तो दोनों जो है उनका रोल है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में, अगेन कुछ प्लांट्स और सर्टन प्रोटोजोन्स में एक्स वाई का कॉन्सेप्ट नहीं होता, फिर भी उनमें कोई जीन जो है वो डिटरमिन करते हैं, और जो क्रोमोसोमल है उसके अंदर भी जो है जीन्स इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोमल के अंदर जीन इन्वॉल्व नहीं होते, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ ये है। अच्छा हम वो फिर ये आगे हम ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, तो उसमें ये SRY जीन बड़ा हम ज़रा इसको डिस्कस करेंगे, फिर सब क्लियर हो जाएगा। थर्ड टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन इज़ इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा ये एक दो हमने पढ़े क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक। क्रोमोसोमल में क्रोमोसोम्स प्लस जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और जेनिक में या जेनेटिक में सिर्फ जो है कुछ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं और कोई डिफरेंट क्रोमोसोम्स का वो नहीं होता इन्वॉल्व। थर्ड इज़ इन्वायरमेंटल सेक्स। यहाँ पे अब सेक्स कौन डिटर्मिन करता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वो डिटर्मिन करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है इसकी के वो है हमारे पास एक इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन मेरीन मोलस्क क्रिपिड्यूला फोनिकेटा आल्सो नोन एज द कॉमन स्लिपर लिम्पट। स्लिपर लिम्पट जो है दैट इज़ अ मेरीन मोलस्क और मेरीन इन्वायरमेंट में पाया जाता है। अब इसमें इसकी स्टोरी जो है वो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ, इसको रीड आप खुद कर लें, फिर मैं ये बताता हूँ कि इसमें क्या है। अभी वो देखते हैं, इधर देखें। दिस टाइप ऑफ सेक्शुअल डेवलपमेंट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल हर्मफ्रोडाइटिज्म। ईच इंडिविजुअल एनिमल कैन बी बोथ मेल एंड फीमेल ऑल दो नॉट एट द सेम टाइम। इन क्रिपिड्यूला फोनिकेटा सेक्स इज डिटर्मिंड इन्वायरमेंटली बाय द लिम्पेट्स पोजीशन इन द स्टैक। अच्छा यहाँ पे ये होता है, इधर देखें डायग्राम में शो हुआ है कि जो लार्वी होती है इस मोलस्क की, लार्वी जब प्रोड्यूस होती हैं तो वो फ्री स्विमिंग होते हैं और वो सबसे पहले जो सबस्ट्रेट के ऊपर फॉल करेंगे तो वो फीमेल होती है, ठीक है। अ लार्वी दैट सेटल्स ऑन एन अनऑक्युपाइड सबस्ट्रेट डिवेलप्स इनटू अ फीमेल विच प्रोड्यूसेस केमिकल्स दैट अट्रैक्ट अदर लार्वी। अच्छा तो फीमेल होगी पहली लार्वी, ठीक है, और वो जो है अट्रैक्ट करेगी, केमिकली अट्रैक्ट करेगी बाकी लार्वी को। सो द लार्वी अट्रैक्टेड बाय द फीमेल सेटल ऑन द टॉप ऑफ हर एंड डिवेलप इनटू मेल्स। अच्छा अब जो लार्वी सबस्ट्रेट के बजाय उस फीमेल लार्वी के ऊपर सेटल होंगे, सो दे विल डिवेलप इनटू मेल्स, ठीक है। अब ये एनवायरमेंटल है, विच बिकम मेट्स फॉर द ओरिजिनल फीमेल। अब ये जो ऊपर उसके ऊपर सेटल हो जाते हैं ये मेल लार्वी, दे देन एक्ट एज अ मेट फॉर दिस फीमेल, तो वो मेटिंग करते हैं, ठीक है। अब जब बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है मेल जो है वो उसके ऊपर, वो सेटल्ड स्टैक्ड हो जाते हैं, सो इवेंचुअली द मेल्स ऑन टॉप स्विच देयर सेक्स डिवेलप इनटू फीमेल्स। अच्छा अब वो जो फर्स्ट फीमेल थी वो काफ़ी नीचे रह जाती हैं बिकॉज उसके ऊपर जो मेल लार्वी है वो स्टैक्ड हो जाते हैं। तो अब इस जो स्ट्रक्चर है इसको तो कंटिन्यू करना है, मज़ीद आगे भी फर्टिलाइजेशन करनी है मेल फीमेल की। तो अब कैसे होगा, क्योंकि मेल्स ऊपर जो है वो ज़्यादा स्ट्रैक्ट हो गए, फीमेल नीचे रह गई है, तो अब इसको कंटिन्यू करने के लिए जो टॉप पे मेल्स होंगे वो अपना सेक्स चेंज कर देंगे, दे विल स्विच इनटू फीमेल्स, और अगेन उस फिर जो है दूसरी लार्वी को अट्रैक्ट करेंगे वो मेल लार्वे को जो उसके ऊपर स्टैक हो के, फिर जो है मेटिंग करेंगे एंड सो ऑन। अल्टरनेटिवली जो टॉप पे स्टैक हो जाते हैं वो मेल फीमेल में स्विच हो जाएंगे और फिर मेल को अट्रैक्ट करेंगे, सो देन दे अट्रैक्ट एडिशनल लार्वी विच सेटल ऑन टॉप ऑफ द स्टैक एंड डिवेलप इनटू मेल्स। तो इसी तरह से मेल फीमेल, तो मेल फीमेल में स्विच होते हैं कंडीशंस के मुताबिक, एनवायरनमेंट के मुताबिक। इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म।
ठीक है, क्योंकि क्यों हर्मोफ्रोडाइटिज्म है? हर्मोफ्रोडाइटिज्म इस वजह से है कि जो लार्वी है उनमें दोनों सेक्सेस की कैपेबिलिटी मौजूद है, तो उसका इस कॉलोनी के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर उसकी पोजीशन एनवायरमेंटल पोजीशन डिटरमिन करती है कि उसने अब किस सेक्स में कन्वर्ट होना है। तो वो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं, वो लार्वी जो है दे कैन गो आइदर वे, आइदर मेल और फीमेल। अगर वो सबस्ट्रेट पे पहले सेटल हुई सो इट विल डिवेलप इनटू फीमेल, फिर वो अट्रैक्ट करेगी बाकी लार्वी को, तो जो लार्वी उसके ऊपर होंगे वो मेल होंगे, फिर जब वो ज़्यादा जमा हो जाएंगे तो जो टॉप वाले मेल्स हैं दे विल स्विच इनटू फीमेल्स एंड सो ऑन। सो दिस इज सिक्वेंशियल हर्मोफ्रोडाइज। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन डिटर्मिनिंग सेक्स इन मैनी रेप्टाइल्स। अच्छा, ये रेप्टाइल्स में भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि उनमें मेकेनिज्म ये हो, डिफरेंट हो सकता है मेकेनिज्म। ऑल द मोस्ट स्नैक्स एंड लिजर्ड्स हैव सेक्स क्रोमोसोम्स, इन मैनी टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स टेम्परेचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिटर्मिन सेक्सुअल फिनोटाइप। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कुछ टर्टल्स में, मोस्टली स्नैक्स और लिजर्ड्स में सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स में टेम्परेचर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो टेम्परेचर है वो डिटर्मिन करता है कि आइदर दिस एम्ब्रियो विल गो इनटू कन्वर्ट इनटू मेल और फीमेल। इन टर्टल्स फॉर एग्जांपल वार्म टेम्परेचर प्रोड्यूस फीमेल्स ड्यूरिंग सर्टन टाइम्स ऑफ द ईयर, वेयर एज कूल टेम्परेचर्स प्रोड्यूस मेल्स। इन एलिगेटर्स द रिवर्स इज ट्रू। तो टर्टल्स में अगर टेम्परेचर वार्म होगा, गर्मी होगी, तो फीमेल प्रोड्यूस होगी, और अगर कूल टेम्परेचर होगा सो मेल्स प्रोड्यूस होंगे, और एलिगेटर्स में इसके रिवर्स है, ठीक है। सो दैट वॉज अबाउट डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ इन सेक्स डिटर्मिनेशन जो हमने पढ़े डिफरेंट ग्रुप्स में। तो एक है क्रोमोसोमल, उसके हमने मज़ीद तीन टाइप्स पढ़े, और देन वी हैव जेनेटिक एंड देन एनवायरमेंटल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ टॉपिक विच वाज अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम्स, और आगे जाके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, एंड उसके बाद एक हमारा लेक्चर रह जाएगा जिसमें हम चैप्टर को कम्प्लीट कर लेंगे। सो That's it for today. See you in the next lecture, inshallah.